हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं XYZ से बात कर रही हूँ। आपने 2014 में हमारे से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका प्रीमियम 50,000 था, और उसके बाद शायद आप प्रीमियम देना भूल गए हैं। तो अगर आपको अपनी पॉलिसी रिवाइव करानी है तो आप हमें 1,00,000 रुपए दे दीजिए, और एक साल बाद आपको आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ मिल जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके 50,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने कोई 2014 में पॉलिसी ली थी, ये तो मेरे को याद नहीं। और मैं ये कैसे मान लूं कि आप XYZ से बोल रहे हैं? आप स्कैमर भी तो हो सकते हैं। सर, आई कैन सेंड यू माई ID कार्ड एज वेल। अच्छा, प्लीज सेंड। सर, यू मस्ट पे दी अमाउंट बाय टुमारो मॉर्निंग, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट योर 50,000 बैक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अरे क्या हुआ, किसका कॉल था? यार, XYZ पे कॉल था। उन्होंने मेरे को बोला कि 2014 में मैंने एक पॉलिसी ली थी जिसका प्रीमियम 50,000 था, फिर शायद मैं वो पॉलिसी पे करना भूल गया, तो वो आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे 1,00,000 कल सुबह तक मेरे को पे करना होगा वो पॉलिसी रिवाइव करने के लिए। और तूने ये कैसे मान लिया कि वो XYZ से ही थी? क्योंकि उसने मुझे अपना आईडी कार्ड भी भेजा। ये बस एक स्कैम है जिसे टेक्निकल टर्म्स में फिशिंग भी बोलते हैं। ऐसे फ्रॉडस्टर्स आपको कॉल या ईमेल करके आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं। जैसे कि तूने बताया, ये तुझे 2014 की ली हुई पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। तुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि ये एक स्कैम है, क्योंकि पॉलिसी इतने सालों बाद रिवाइव नहीं होती है। और तो और, पॉलिसी प्रीमियम पे करते टाइम ऐसे बहुत से स्कैम्स हैं जो हमारे साथ हो सकते हैं, जैसे कि पेमेंट फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्टिंग और भी ऐसे बहुत फ्रॉड। अच्छा हुआ तूने मुझे ये सब पहले बता दिया और इतने बड़े स्कैम्स होने से मेरे को बचा लिया। बट ये तुझे कैसे पता ये सब? क्योंकि मैं इंश्योरेंस समाधान को फॉलो करती हूँ, जहाँ मुझे इंश्योरेंस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है।